नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्याग। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आईपीएल 2024 जब आधे से ज्यादा पड़ाव पर आ गया है और केकेआर को मैं लगातार एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी टीमों को भी एनालिसिस कर रहा हूं और एक तरफ जहां विश्व कप की टीम आने वाली है, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या रिंकू सिंह के साथ कोई साजिश हो रही है? क्या रिंकू सिंह विश्व कप से बाहर हो जाए? क्या उसको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है? क्या रिंकू सिंह के करियर पर अब खतरा मंडराने लगा है? क्या रिंकू सिंह को नहीं चाहता कोई इंसान कि वो विश्व कप में जाए? क्या रिंकू सिंह के साथ उनकी ही टीम में कोई खटपट है? इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। अब ये सवाल जहन में क्यों आ रहे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट है, इसके पीछे की वजह क्या है और रिंकू सिंह के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार फैंस के चल रहे हैं। फैंस इस बात को लेकर लगातार परेशान है कि रिंकू सिंह के साथ जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा हीरो कौन था? रिंकू सिंह। ये आपको पता होगा, बेशक ये क्या कुछ नहीं कर पाई लेकिन रिंकू सिंह ने बहुत बड़ा नाम किया। रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की दुनिया में चर्चा हुई। टीम इंडिया में उनको मौका मिला, टीम इंडिया में भी जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया, सबसे बड़े मैच विनर बनकर साबित हुए। 2023 में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी रिंकू सिंह बने। ये तमाम चीजें रिंकू सिंह ने की। उसके बाद चर्चा चलने लगी कि रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जो धोनी क्या करते थे, मैच को फिनिश करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त रिंकू सिंह है। कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने कई बार मौकों पर करके दिखाई जिसके बाद दुनिया उनको सलाम कर रही थी। लेकिन जैसे आईपीएल 2024 आया, रिंकू सिंह कहां गायब है, कहां है कोई पता नहीं है। रिंकू सिंह के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, रिंकू सिंह को मौका नहीं मिल पा रहा है। जिस पोजीशन पर रिंकू सिंह आने चाहिए थे, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। रिंकू सिंह के को लेकर चर्चा जो चल रही थी आईपीएल से पहले, वो चर्चा एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से दब चुकी है। रिंकू सिंह को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। रिंकू सिंह के सिलेक्शन की जो बातें थी वो एकदम पूरी तरीके से खत्म सी होती नजर आ रही है। रिंकू सिंह की चर्चा नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या विश्व कप के से पहले रिंकू सिंह के साथ कोई साजिश हुई? क्योंकि इस वक्त जो चर्चा है फिनिशर के तौर पर वो शिवम दुबे की चल रही है, शशांक सिंह की चल रही है और थोड़ी थोड़ी रिंकू सिंह की भी है। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि आप आईपीएल 2024 में उठाकर देख लीजिए, रिंकू सिंह एक मैच खेलकर फिर चोट की वजह से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद में जब वो आते हैं तो मनोबल थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, बल्ले में वो बात नज़र नहीं आ रही है, चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, उस तरीके की बातें रिंकू सिंह के साथ नजर नहीं आई जो होनी चाहिए। उसके अलावा एक और बात है, इसके अलावा एक बात यह है कि रिंकू सिंह का दोस्त नीतीश राणा वो भी लगातार बाहर है। मतलब नीतीश राणा और रिंकू सिंह की दोस्ती आपने 2022 में देखी, 2023 में देखी, जब नीतीश राणा रिंकू सिंह को प्रमोट करते थे, रिंकू सिंह को ऊपर भेजते थे, रिंकू सिंह मैच जिताते थे। लेकिन इस बार जैसे श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं, रिंकू सिंह प्रमोट होने की बजाय डिमोट होने लगे हैं, रिंकू सिंह नीचे आने लगे हैं, नीतीश राणा को बाहर ही बैठाया जा रहा है, नीतीश राणा को मौका दिया ही नहीं जा रहा है। तो क्या इन दोनों खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत है, कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर नहीं चाहते कि नीतीश राणा खेलें, ताकि क्योंकि नीतीश राणा ने कप्तानी अच्छी की थी साल 2023 में, नीतीश राणा ने बल्ले से, गेंद से, कप्तानी से प्रभावित किया था, तो एक राइवलरी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कोई जानता है कि अपनी पोजिशन, अपनी जगह को बनाने के लिए हर खिलाड़ी कोई ना कोई मेहनत करता है। तो क्या ये एक साजिश है रिंकू सिंह और नीतीश राणा के खिलाफ? क्या रिंकू सिंह को वास्तव में जहां पर पंजाब के खिलाफ रिंकू सिंह को प्रमोट किया जा सकता था, रिंकू सिंह कई बार 12वें 13वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जहां पर रिंकू सिंह को प्रमोट किया जा सकता था वहां पर उनको प्रमोट नहीं किया, उनको बहुत नीचे भेजा गया, हालांकि रसल से भी नीचे भेजा गया। अक्सर हमने देखा है 22-23 में हमने देखा है कि रसल से ऊपर आते थे रिंकू सिंह, लेकिन पंजाब के खिलाफ तो रसल से भी नीचे भेज दिया गया है रिंकू सिंह को। तो इसके बाद ये सवाल खड़े होने कि क्या वास्तव में रिंकू सिंह के खिलाफ कोई साजिश है, वो मतलब कोई इंसान नहीं चाहता कि रिंकू सिंह T20 विश्व कप का हिस्सा हो, तो ये इस वक्त सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में रिंकू सिंह के साथ गलत है? क्या वास्तव में रिंकू सिंह के साथ कोई साजिश चल रही है और T20 विश्व कप से उनका पत्ता कट सकता है? क्योंकि अगर विश्व कप से पहले कोई धमाल नहीं होगा तो खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मामला किसी एक खिलाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके करियर के साथ जुड़ा हुआ है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।